मध्य प्रदेश सहित रीवा में अधिवक्ताओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने मीडिया के माध्यम से कहा कि अब अधिवक्ताओं की सुरक्षा का आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। इसके लिए राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा शासन को पत्र भेजकर अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल अधिवक्ताओं के ऊपर निरंतर हो रहे हमले और आर्थिक सुरक्षा को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने सरकार को पत्र लिखते हुए उनके हित की बात कही है। अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। अधिवक्ताओं के ऊपर निरंतर हो रहे हमले और उनके जीवन की असुरक्षा चिंतनीय विषय है, जिस पर सरकार को जल्द ध्यान देना होगा। अपनी इन मांगों को लेकर अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि इसके लिए वह हर तरह के प्रयास करेंगे और इस बार सरकार को अधिवक्ताओं के हित के लिए घेरने का भी काम किया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या कहना है राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह का। दरअसल अधिवक्ताओं के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रताड़ना का, हमलों का और मलेशियस प्रोसिक्यूशन का एक जोर है। अधिवक्ता बहुत ही संगीन और बहुत ही संवेदनशील काम में लगे रहते हैं, जिनमें बहुत सारे आपराधिक तत्व भी शामिल होते हैं उनके पक्ष में, और कई बार उनके विपक्ष में काम करना पड़ता है। तो कई बार लोग अधिवक्ताओं को झूठा फंसाने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करते हैं, कई बार अधिवक्ताओं के ऊपर हमले होते हैं, कई बार शासन प्रशासन के लोग उनके साथ अभद्रता करते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं, और ऐसी सब चीजों के लिए बहुत दिनों से अधिवक्ता संघों की मांग थी कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लाए और पूरे देश में लागू हो, ताकि ये अधिवक्ता जिनको किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, ये खुले में काम करते हैं और आसानी से आपराधिक तत्वों का और पुलिस के शासन प्रशासन का शिकार हो जाते हैं, तो इनको एक प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा दिया जाए, जैसा कि सभी को लगभग लगभग इस तरह के संवेदनशील काम करने वाले लोगों को मिला हुआ है। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी प्रोफेशनल में से डॉक्टर्स का और वकीलों का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही एक्सपोज रहता है टू द सोसाइटी। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार वादा किया था, उनके एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था, और भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में था, और मध्य प्रदेश में यही दो पार्टियों की सरकारें लगातार चल रही हैं कई वर्षों से। ये जब जनता के बीच में आते हैं तो इनके मैनिफेस्टो में रहता है कि हम अधिवक्ताओं के लिए एक प्रोटेक्शन का कानून लाएंगे, लेकिन वो कानून लाते नहीं है और अधिवक्ता जो है हर जगह परेशान होते। अभी सिरमौर में, अभी चौथर में, अभी मऊगंज में अधिवक्ताओं के साथ ज्यादती की गई और अधिकारियों ने किया, रेवेन्यू के ऑफिसर्स ने किया, और अधिवक्ताओं के जो लीडर्स थे उनके खिलाफ ही मुकदमा उल्टा पंजीबद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। पूरे प्रदेश में कहीं भी आप जाइए, छोटी सी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के सभी के संज्ञान में, पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम तौर पर आए दिन आती रहती, उस पर कोई संज्ञान नहीं होता। हमारे एक वकील साहब हैं रंगेश जी, वो जा रहे थे तो उनकी चेन स्नैचिंग हो गई, उन्होंने एसपी को कहा, उन्होंने आईजी को कहा, मैंने भी पत्र लिखा, आज तक कोई पूछने नहीं आया उनसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बरामदगी की बात अलग। तो सबसे बड़ी चीज वकीलों की है, वकील जो संस्था है, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से दो संस्थाएं हैं जिनके बिना काम चलना मुश्किल हो जाए। एक तो बंदरगाहों में काम करने वाले लोग हैं और दूसरा न्यायदान में लगे हुए लोग। क्योंकि डॉक्टरों का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनको काफी कुछ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उधर सरकार मूव कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों को आप तोड़ेंगे, इनको कमजोर करेंगे, तो पूरा समाज कमजोर होगा। आज हालत यह है कि हर तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर परेशानियां हैं और यह व्यवसाय करने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही। आप मान लीजिए कि एक अधिवक्ता अगर बीमार हो जाता है, अपंग हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, तो उसके घर में चूल्हा जलने के लिए कोई स्थिति नहीं है, उसके लिए कोई स्टाइपेंड सरकार ने व्यवस्था करके नहीं रखी।
सरकार और हमारे संविधान में व्यवस्था है, हम कहते हैं कि ये न्याय व्यवस्था चलाने के लिए जज चाहिए, अभियोजन चाहिए और बचाव पक्ष चाहिए, तो आपने जजों के लिए तो पूरा दिया हुआ है, व्यवस्था है उसकी। सरकारी पक्ष का जो या जो सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वकील, उनके लिए व्यवस्था रखा है। डिफेंस काउंसिल के लिए क्या? डिफेंस काउंसिल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश लेवल पर क्या करेंगे? हमारा ये है कि जो हमारी अभी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से रीवा से मैं ये बात उठा रहा हूँ, इसको मैं भोपाल और दिल्ली तक ले जाऊंगा। ये अभी एक शुरुआत है, एक बीज बोया जा रहा है, यहीं से इसका संकनाद होगा। अधिवक्ताओं के लिए एक तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा उनकी बीमारी में समुचित इलाज, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए जिस भी तरह का, और जितना भी खर्चा आए वो सरकार वहन करे। तीसरा, वो अधिवक्ता जो किसी कारण से अधिवक्ता का व्यवसाय करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था लागू करे, उनको पेंशन की व्यवस्था दे, और अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग का और उनको लीगल अवेयरनेस का कोर्स भी चलाने में जो खर्चा आता है वो सरकार दे। और हमारी बार काउंसिल तो कर ही रही है, लेकिन जो बार काउंसिल हमारे देश में है उनके पास फंड नहीं है, फंड कहीं से आने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक व्यवस्था है, टिकट जो बिकते हैं वकालतनामे में लगते हैं, वो इतना कम होता है कि अधिवक्ताओं के लिए जो उनके रिकॉर्ड रखना है, उनके डिसिप्लिन का है, जो वेलफेयर का काम है, उसमें जो कर्मचारी लगे हैं उसकी तनख्वाह में ही खर्च हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से मांग है, प्रदेश सरकार से मांग है, भारत सरकार से मांग है कि ये संस्था खत्म होगी तो आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। आज जो बच्चे 5 ईयर कोर्स करने जाते हैं, आज लॉ की पढ़ाई करने वाला बच्चा जब लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो एयर कंडीशन क्लासेस हैं, एयर कंडीशन उनके लाइब्रेरीज हैं, वहां से पढ़कर वो आते हैं, तो यहाँ पर खुले में इस तरह से काम करने की इच्छा नहीं करते, जहां पर आपको शाम को फीस वसूलना भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बन गया है, वो बच्चे नहीं कर पा रहे। तो अब ऐसी स्थिति में ये सोचना पड़ेगा, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे जो लेजिस्लेटिव्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस संस्था को बचाएं और किस तरह से वकीलों की संस्था को गरिमामयी बनाएं। सरकारों ने ही बना लिया है, सरकारों का बना हुआ है, कांग्रेस सरकार ने भी बनाया है और बीजेपी ने, दोनों ने सरकार, उनके ड्राफ्ट बने हुए हैं, उन्होंने पटल में रखा है लेकिन पास अभी नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से पास हो, उसी रूप में पास हो, संशोधन तो बाद में होते रहेंगे। हमारा केवल इतना कहना है कि एक वकील जा रहा है, उसने प्रोफेशन में जमानत निरस्त हो गई, एक अपराधी है, उसने रस्ते में उनको रोक लिया, उनके ऊपर हमला किया, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ वकील लड़ रहा है, वो हार रहा है और वकील से उसको रंजिश है, या मुकदमा हार गया, उसने कोई मुकदमे में फंसा दिया, एक झूठी रिपोर्ट कर दिया, तो उसमें मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जाँच सीधे अरेस्ट ना हो, कि आपके जैसे रिपोर्ट आई वैसे आप अरेस्ट करें, अरेस्ट के पहले उसकी जाँच की एक प्रक्रिया रखें और वो अधिवक्ता संघ में और बार काउंसिल से उसको पूछें, उसके बारे में तहकीकात लें, उनसे परमिशन लें और तब अरेस्ट करें। ऐसे ही वकील को अरेस्ट न करें। प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड तो काफी अर्थों से बढ़ती चल रहे हैं, पर इसके बाद कोई मतलब नहीं होता, करना भी किया उसके लिए हमने अब ये एक बार मैं ये मांग कर रहा हूँ, मैं स्वयं अपने स्तर पर इस मांग के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करूंगा और जो भी लोकतांत्रिक तरीके से इस मांग के लिए किया जा सकता है वो मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मांग इतनी समीचीन है और इतनी ज्यादा समसामयिक है और इतनी आवश्यक है कि इससे हर अधिवक्ता जुड़ेगा, और अधिवक्ता ही नहीं, न्याय प्रक्रिया। अब हम चले जाते हैं आज यहाँ कचहरी से, आप करा लीजिए फैसले, करा लीजिए, चला लीजिए, वकील का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। वकील अगर चला जाए, आज निकल जाए इस कोर्ट से, तो कोई केस चलेगा क्या? यहाँ केस तो ठप हो जाएगी ना न्याय व्यवस्था। और जो खर्चा सरकार कर रही है वो उन लोगों पर सब पर कर रही है, हमारे ऊपर तो कर नहीं, हमको तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो मुझको लगता है कि सारे वकील इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और सारे लोग प्रभावित हैं, और ये मांग एक आंदोलन का रूप लेगी और सरकारों को मानना पड़ेगा और इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, न केवल एट्रोसिटीज के खिलाफ, न केवल कानूनी बल्कि आर्थिक भी देना पड़ेगा और सामाजिक भी देना पड़ेगा।
ये चेतावनी ही है। कोई भी काम करने से पहले एक बार मैं स्वयं गया था, मैंने शिवराज सिंह से मिलकर कहा था, उन्होंने कहा कि हाँ हम लागू करेंगे। इसके पहले विवेक तन्खा जी ने मुझसे भी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम लागू कर रहे हैं, कमलनाथ जी से बात हो गई, ये ड्राफ्ट रखकर सबसे पहले इसको हम पास करेंगे। और इसको, मेरी बात को आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों के ही मैनिफेस्टो में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है और लगातार वो रखते हैं।